हेलो चिल्ड्रन हाव आई यू आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड चिल्ड्रन नाउ वी विल रीड अबाउट द सन सूरज दिखाई देता है हमें दिन में मॉर्निंग में जो ईस्ट की साइड से आता है आपको लाइट मिलती है सूरज से सन इज द हार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम सन हमारे सोलर सिस्टम का क्या है हार्ट है इट इज अ स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम के ये बिल्कुल सेंटर पार्ट में है तो ये क्या है उसका हार्ट नाउ लेट फाइंड मोर अबाउट द सन टीचर वट इज दन क्या है आकाश द सन इज द नियरस्ट स्टार टू द अर्थ इट इज अज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेसन क्या है नियरस्ट स्टार है अर्थ के पास सबसे पास का स्टार है और कैसा कैसा है एक बड़ी बर्निंग बॉल है जो किससे किससे बर्न होती है गैसेस से गैस की बड़ी बॉल है टीचर व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम जो सोलार सिस्टम है उसका सेंटर क्या है आकाश द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम जो सोलार सिस्टम है उसका सेंटर क्या है सन टीचर हाउ फार इज द सन फ्रॉम अर्थ आकाश द सन इज वेरी फार फ्रॉम अर्थ जो सन है वो अर्थ से बहुत दूर है टीचर फ्रॉम वेयर द सन राइजेज सन राइज कहाँ से होता है कहाँ से उगता है सन आकाश द सन राइजेज इन द ईस्ट कहाँ से राइज होता है ईस्ट से टीचर वेयर डज द सन सेट सन कहाँ अस्त होता है आकाश द सनसेट इन द वेस्ट कहाँ सेट होता है सन वेस्ट में टीचर वट द सन गिव अस अब सूरत से हमें क्या मिलता है क्या मिलता है आपको सूरत से हीट और लाइट ये सब मिलता है आकाश द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट क्या मिलता है बच्चों हीट एंड लाइट टीचर कैन वी लिव विदाउट द सन क्या हम सन के बिना रह सकते हैं आकाश नो वी कैनोट लिव विदाउट द सन हम सन के बिना नहीं रह सकते टीचर डू प्लांट्स ऑल्सो नीड द सन फॉर देयर ग्रोथ क्या प्लांट्स को भी सन की जरूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए आकाश येस प्लांट्स ऑल्सो नीड द सन फॉर देयर ग्रोथ प्लांट्स को भी उनकी ग्रोथ के लिए सन की जरूरत होती है तो देखा बच्चों आपने हमारे लिए सन है कितना इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए हमारे लिए अगर सन सूरज नहीं निकलेगा तो क्या हुआ क्या होगा अंधेरा ही अंधेरा होगा तो हमें लाइट हीट देने के लिए सन इम्पॉर्टेंट है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी सन इंपॉर्टेंट है आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट